वेलकम टू माय चैनल केयर होम क्रिएटिविटी में। आज मैं फ्रेंड आप लोगों के सामने ये कुछ इस तरीके का एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, आई होप आप लोगों के लिए पसंद आए। रॉन्ग साइड इसका इस तरीके का है, ठीक है। ये मैंने न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्वेटर बनाया हुआ है, उसमें ये डिज़ाइन डाला है। तो एक छोटे से पैटर्न के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने ये 15-16 फंदे डाले हैं, 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं और 14 फंदों में ये डिज़ाइन बनेगा। 2 के मल्टीपल से ये डिज़ाइन है, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, इस तरीके का ये डिज़ाइन है। देखिए, ये कुछ इस तरीके से फर्स्ट रो में हमें 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। दो फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बना के ये हमने फर्स्ट रो कंप्लीट की है। अब सेकंड रो में हमें क्या करना है, रॉन्ग साइड में पहला फंदा बिन लिया। अब जो 2 फंदे हमने सीधे बनाए थे उधर, उन्हें हमने 2 फंदे को उल्टा बनाना है, और जो सीधे उल्टे हैं उन्हें सीधा, सीधे हैं उन्हें उल्टा, ठीक है ना। जैसे ये हमने सीधा बनाया है रॉन्ग राइट साइड से, तो ये हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, 2 फंदे सीधे। जैसे आपको फंदे रॉन्ग साइड से दिखाई देते हैं, आप उस तरीके के बनाइएगा। 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो 2 फंदे सीधे, और 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे, इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है हमें सेकंड रो। ये देखिए, ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब हमने थर्ड रो में क्या करना है, इसी तरीके से हमें थर्ड रो भी कंप्लीट करनी है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। फोर्थ रो भी हमने कंप्लीट कर ली रॉन्ग साइड से। ये देखिए, अब हमको इसमें क्या करना है, डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए फाइव रो में हमें डिज़ाइन बनाना है। 2 फंदे हमने उल्टे किए। अब ये जो हमने 2 फंदे सीधे बनाया ना, तो ये हमारे सबसे लास्ट का जो फंदा है, 2, 3, 4, 5, ये इस तरीके से इसमें थोड़ा लॉन्ग फंदा निकालना है, और 2 फंदे हमें बिन लेने हैं। फिर हमें इसी में से लॉन्ग फंदा निकालना है। ढीले हाथ से निकालिएगा थोड़ा, आप जितने ढीले हाथ से फंदा लेंगे उतना ही आपका डिज़ाइन उभर के आएगा। फिर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर उसी तरीके से करना है। ये देखिए, सबसे लास्ट वाली रो में लूज फंदे निकालते हुए ये हमारा 5 रो भी कंप्लीट हो गया।
से ये हमारा 5 रो का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका लुक आया बनने के बाद। अब हमें इसको क्या करना है, रॉन्ग साइड से जो फंदे हमने बढ़ाए हुए हैं उनको तो हमें उतारना है, और बकाया सारे फंदे उसी तरीके से बनाने हैं जैसे बनाते आए हैं, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, बस इनको उतारना है, इनको बिनना नहीं है। इस तरीके से देखिए, ठीक है, 2 फंदे सीधे, फंदा अपने तरफ किया, फिर फंदा 2 फंदे उल्टे बनाए, उतारा फंदा, फंदा पीछे किया, 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए, अब हमें 6 रो में आके इसको बंद बंद करना है डिजाइन को। ये जो उल्टा फंदा है इसके साथ हमें ये फंदे बंद घटा देने हैं, 2 फंदे सीधे बनाने हैं। अब ये जो हमने जो फंदा लिया था इसको सीधा करके घुमा के उल्टे फंदे के साथ इसको इस तरीके से बांध देना है, ठीक है ना। तो हमारे उतने ही फंदे होंगे जितने हमने रखने थे, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। ये पूरी रो हमें सीधी ही बनानी है, उल्टी नहीं बनानी है। इस तरीके से हमको घुमाना है फंदा और इसको इस उल्टे फंदे के साथ इसको बिन देना है, ये ठीक है। फिर ये उल्टा जो फंदा है इस फंदे के साथ इसको बिन देना है, सीधे 2 फंदे बनाने हैं और इसको फंदे को घुमा के इस उल्टे फंदे के साथ बनाना है। ये पूरी रो हमारी सीधी ही बनेगी। ये देखिए, ठीक है ना। तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें जो ऊपर डिज़ाइन बनाना है इसको काटना है। तो ये जो दो फंदे हमारे डिज़ाइन के दिख रहे हैं ना आपको, ये मिले हुए ये सीधे फंदे जुड़े हुए यहाँ से, यहाँ पर काट के ये फंदे बनाने हैं। उसके लिए रॉन्ग साइड से हमें क्या करना है, ये जो बीच के फंदे हैं इनको हमें उल्टा बनाना है। रॉन्ग साइड से ये जो बीच के फंदे हैं इनको हमें सीधा बिनना है, सॉरी फ्रेंड, सीधा बिनना है। तो हमारी राइट साइड से ये फंदे उल्टे आ जाएंगे, ठीक है, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे। ये देखिए, ये जो हमारे जो बीच के फंदे थे जिसमें हमने डिज़ाइन बनाया था उनमें हमने बीच में ये देखिए 2 गांठें आ गई, ये इस तरीके से ये बीच में गांठें आ गई, ठीक है, उल्टे फंदे यहाँ ये बीच में आ गए और यहाँ पर ये डिज़ाइन बनेगा, यहाँ जॉइंट से ये डिज़ाइन बनेगा। इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारा बीच में कट जाएगा। ये जो गांठ वाले फंदे हैं यहाँ हमें सीधे फंदे बनाने हैं। ये इस तरीके से जो हमने डिज़ाइन नीचे बनाया था उसी तरीके से हमें ऊपर बनाना है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, सेम डिज़ाइन वही है।
बस काटने का तरीका आना चाहिए। ये हमारे इस तरीके से डिज़ाइन कट जाएगा, यहाँ पर ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो हमारा ये डिज़ाइन देखिए, ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आप लोगों के लिए ये डिज़ाइन पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये डिज़ाइन। आप इसको कैप में, बेबी के अपने या किसी कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा ये डिज़ाइन बनने के बाद। ये देखिए सेम वो ही डिज़ाइन नीचे जैसे हमने बनाया था उसी तरीके से बनाना है। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।